बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ भुनी हुई सेवइयाँ, जो कि बहुत मज़ेदार बनती हैं और बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। हमने ली हैं सेवइयाँ, ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं और ये तकरीबन 2 कप के बराबर हैं और इन्हें तोड़ लिया है। आधा कप चीनी चाहिए, सब्ज़ इलायची चाहिए, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा खोपरा और थोड़ी सी कटी खजूरें हैं। इसके अलावा हमें 1 कप पानी चाहिए और 1/2 कप ऑयल। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और पैन में हम डालेंगे ऑयल 1/2 कप के बराबर ऑयल है। सबसे पहले हम डालेंगे सब्ज़ इलायची, इसे भी हमने तोड़ लिया है। इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे ऑयल के अंदर ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। इलायची को हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे सेवइयाँ। पाँच से छः मिनट तक हमने सेवइयों को फ्राई करना है। याद रहे कि सेवइयों को हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि सेवइयाँ जल ना जाएं। बस इनका हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। सेवइयाँ हमारी भुन चुकी हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है इसलिए 1/2 कप मैं और डाल देती हूँ। साथ में हम शामिल करेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है और जब तक सेवइयों को कुक करना है जब तक पानी खुश्क हो जाए और सेवइयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। सेवइयों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और सेवइयाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं। सेवइयों ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे खोपरा, खजूरें, किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे 2 मिनट तक इनको दम लगाएंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, सेवइयाँ हमारी बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इनको सर्व करके दिखाते हैं। हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े की खिली खिली सेवइयाँ बनी हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे किसी टाइम में भी बना सकते हैं, खाने के साथ बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।